नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवा में सारी अपडेट हम कवर करते हैं, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थी आलसी होते हैं, देखते नहीं हैं, इसलिए आपको बधाइयां देना तो बनती हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को। साथ में वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामना भी आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। टीजीटी 2021 की परीक्षा को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर विवाद है। इस परीक्षा को निरस्त कराए जाने को लेकर आप सभी जानते हैं, चाहे वो चयन बोर्ड की बात कहें या फिर डिप्टी सीएम की हम बात हो, या फिर ऐसे में छात्रों की तरफ से चल रहे लगातार प्रदर्शन को लेकर, कोर्ट में जा रहे मामले को लेकर भी यहाँ पे एक ही मांग की जा रही है कि टीजीटी परीक्षा को निरस्त करके दोबारा से आयोजित करवाया जाए। जानते आप सब कुछ हैं कि इस परीक्षा के अंदर भ्रष्टाचार के बहुत सारे यहाँ पे जो आरोप है वो लगते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि एसटीएफ की तरफ से लगातार ऐसे आरोपियों को पकड़ा भी जा रहा है और रोज एक नया खुलासा भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर परीक्षाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इस प्रकार जो धांधली है वो देखने के लिए मिली है। टांडा के अंदर 650 से ज़्यादा अभ्यर्थी ने परीक्षा को भी छोड़ दिया था, जहाँ पर उसके बाद डीएम की तरफ से प्रस्ताव भेजकर इस परीक्षा को निरस्त कराए जाने की जो मांग है वो भी की गई थी। लेकिन अब ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन उससे पहले आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि ट्विटर के ऊपर लगातार छात्रों की तरफ से यहाँ पे जो मांग है वो रखी जा रही है कि टीजीटी परीक्षा को रद्द किया जाए, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। और ये मांग लगातार यहाँ पे की जा रही है छात्रों की तरफ से, जिसमें उनका दावा है कि जिस प्रकार एसटीएफ की तरफ से खुलासा हो रहा है, नेशनल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपको जानकारियाँ मिल रही हैं कि टीजीटी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, उसी प्रकार के स्क्रीनशॉट को यहाँ पे शेयर करते हुए मुख्यमंत्री, साथ में अगर बात करें डीआरडी सतीश द्विवेदी और भी तमाम अधिकारियों से मुलाकात करने का प्रयास किया जा रहा है, उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाई जा रही है कि इस परीक्षा को एक बार यहाँ पर रद्द करके दोबारा से आयोजित करवाया जाए, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो एक तरफ तो टीजीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन इसके बारे में अभी तक चयन बोर्ड की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है क्या पूरी परीक्षा निरस्त होगी या नहीं, लेकिन कई छात्रों की तरफ से इस मामले को लेकर न्यायालय में जाने की तैयारियां हैं, जिसके बारे में जानकारी आपको पहले से दी है। लेकिन न्यायालय में सुनवाई होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि यहाँ पे जो परीक्षा है वो निरस्त होगी या फिर इन्हीं सभी को यहाँ पे नियुक्तियाँ दे दी जाएंगी, क्योंकि मेहनत करने वाला अभ्यर्थी हमेशा की तरह पीछे रह जाता है, क्योंकि यहाँ जो सॉल्वर है वो आगे निकल जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि टीजीटी के अंदर इन छात्रों की जो परीक्षा है वो दोबारा करवाई जाएंगी, जिनका यहाँ पे सेंटर के अंदर विवाद देखने के लिए मिला था, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा कि उन्होंने यहाँ बताया किसान इंटर कॉलेज पकड़ी भोजपुर के ऊपर, जहाँ पे छात्रों की परीक्षा के मतलब बहिष्कार कर दिया गया था, उन्होंने परीक्षा से बाइकआउट कर दिया था, उनकी दोबारा परीक्षा को लेकर होगी या नहीं इसके बारे में आयोग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, साथ में विभाग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद में यहाँ पे जो फैसला है वो लिया जाएगा। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि आयोग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, विभागीय रिपोर्ट का जो भी यहाँ पे एसटीएफ की तरफ से रिपोर्ट दी जाएगी, उसके आधार पर अध्ययन करते हुए यहाँ पे जो फैसला है वो लिया जाएगा। साथ ही विभाग अपने स्तर से भी इस प्रकरण की जाँच कर रहा है, इसके उपरांत आयोग व सरकार का जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार जो आगे की कार्यवाही है वो की जाएगी। तो ज़्यादा संभावना ऐसी बताई जा रही है कि चयन बोर्ड इन सभी की दोबारा से परीक्षा करवा सकता है, लेकिन छात्र इस चीज़ को लेकर भी विरोध कर सकते हैं कि अगर 600 साढ़े 600 छात्रों को दोबारा से परीक्षा दिलवाई जाती है, और भगवान ना करे उसमें से भी 4-5 कोई सेटिंग वाले होते हैं या फिर जुगाड़ लगाकर उस परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा देने पहुँच जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको भी यहाँ पर पेपर आउट करवा लिया जाए, क्योंकि पहले तो बड़े स्तर पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों के अंदर पहुँचे हुए थे, अब संख्या बल थोड़ा सा और कम हो जाए, इसको लेकर ही विवाद हो सकता है। लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि चयन बोर्ड की तरफ से इस मुद्दे को लेकर जो फैसला है वो लिया जा सकता है, क्योंकि चयन बोर्ड का ऐसा मानना है किसी भी परीक्षा केंद्र के ऊपर कोई धांधली नहीं हुई है, लेकिन जो असलियत है वो आप सभी जान रहे हैं, हर एक परीक्षा केंद्र के ऊपर किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ,
जगह जगह पे कहीं ना कहीं टीजीटी परीक्षा को लेकर जो भ्रष्टाचार के मामले वो देखने के लिए मिले हैं, लेकिन जो 600-650 अभ्यर्थी ने परीक्षा से बहिष्कार कर दिया था उनकी परीक्षा को लेकर जल्दी प्रशासन की तरफ से एक बड़ी अपडेट आपको देखने के लिए मिल सकती है और हो सकता है कि इनकी जो परीक्षा है वो दोबारा करवाई जाए। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, क्या दोबारा से परीक्षा होनी चाहिए या फिर जो टांडा के ऊपर विवाद देखने के लिए मिला था सिर्फ उनकी परीक्षा हो? क्योंकि ज्यादातर अभ्यर्थियों का ऐसा मानना है कि परीक्षा को निरस्त करके और इस परीक्षा को जिला स्तर पर ना करवा के मंडल स्तर पर आयोजित करवाया जाए जिससे कि परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार ना हो और जो शासन प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन दी जाती है फॉलो करने के लिए उन सभी गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। लेकिन ऐसे में बड़ी अपडेट आप सभी के बीच आ रही है कि जहाँ चयन बोर्ड की तरफ से जो फैसला है वो लिया जा सकता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा करवा दी जाए जिन्होंने परीक्षा से बहिष्कार कर दिया था। लेकिन अभी इसको लेकर आधिकारिक घोषणा जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ता इसको लेकर जो फैसला है वो चयन बोर्ड की तरफ से लिया जाएगा, जो भी रिपोर्ट उनके पास पहुंच रही है। लेकिन रिपोर्ट तो सच में आप सभी के पास भी आ गई है कि एसटीएफ की तरफ से कई जिलों में भ्रष्टाचार साथ में धांधली के जो मामले हैं वो देखने के लिए मिले हैं। लेकिन अब यहाँ से देखना दिलचस्प होगा कि चयन बोर्ड की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, क्या पूरी परीक्षा को लेकर कुछ होगा। हालांकि अभी तक उन्होंने इस बात को कंसीडर नहीं किया है, लेकिन ऐसे में संभावना ज़्यादा लग रही है कि चयन बोर्ड अपनी आपको बचाने के लिए, अपनी किरकिरी को बचाने के लिए यहाँ पर हो सकता है कि उन 600 अभ्यर्थियों की जो दोबारा परीक्षा वो करवा दी जाए, जिसको लेकर आपको ऐलान अगले हफ्ता देखने के लिए मिलेगा, ऐसी भी जानकारी है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सोशल मीडिया पर लगातार पूरी परीक्षा को रद्द कराए जाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे छात्र लगातार इसको लेकर पूछ रहे थे कि सर कल आपकी तरफ से जानकारी दी गई थी, अब ऐसे में क्या आगे की अपडेट है, यूपी टेट कब होने वाला है? तो ऐसे में मैंने आप सभी को पहले से बता करके रखा था कि पीएनबी सचिव की तरफ से यूपी टीईटी को लेकर कोई तारीखों का निर्धारण नहीं हुआ है। वो बार बार एक तरीके का जुमला या फिर लॉलीपॉप सा दे देते हैं कि भाई अभी हम नहीं ले सकते, बाद में लेंगे, क्योंकि पहले उनको यहाँ पे आदेशित किया गया था कि परीक्षा को अक्टूबर में करवा लें। लेकिन कहीं ना कहीं पीएनपी और सरकार आपस में डीएलएड के आवेदन लेने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उनको यूपी टीईटी के आवेदन लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि यूपी टीईटी हो गया तो नई शिक्षक भर्ती देनी पड़ेगी। इसी वजह से जानकारी दी जा रही है पीएनपी सचिव की तरफ से कि जो यूपी टीईटी के आवेदन लिए जाएंगे हम सितंबर के दूसरे सप्ताह के बाद लेंगे और आपकी जो परीक्षा होने की संभावना होगी वो अक्टूबर के अंत में या नवंबर में करवा लेंगे। इससे पहले भी कई बार झूठे बयान पीएनपी की तरफ से दिए गए हैं। इससे पहले जो सचिव थे वो नया प्रस्ताव बनाकर भेज भी देते थे, लेकिन जो नए सचिव आए हैं उनसे तो कोई तारीखों का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। पिछले डेढ़ हफ्ते पहले बेसिक शिक्षा मंत्री सर ने आदेशित किया था कि यूपी टीईटी का आयोजन अक्टूबर में करवा लें, लेकिन कहीं ना कहीं पीएनपी का यहाँ पे ऐसा कहना है कि डीएलएड के जो आवेदन है वो 30 अगस्त 2021 तक लिए जाएंगे, उसके बाद में यूपी टीईटी के जो आवेदन है वो शुरू होंगे। आसान भाषा में कहें तो छात्रों को घुमाया जा रहा है। आवेदन को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर पीएनपी की तरफ से अब अगस्त को हटाकर सितंबर का महीना ला दिया है। जैसे ही सितंबर पास आएगा, अगर वो अक्टूबर भी कह दें तो इसमें ज़्यादा आपको आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीएनपी ने पिछले 1.5-2 साल इसी मुद्दे को लेकर निकाल दिए हैं, कभी जनवरी, कभी फरवरी, कभी मार्च तो कभी अप्रैल। अब आपको सामने एक नई तारीख देखने के लिए मिल रही है सितंबर की, कि हम सितंबर में आपके जो आवेदन है वो ले लेंगे और आपकी जो परीक्षा है वो नवंबर में करवा लेंगे, ऐसा दावा किया जाए पीएनपी की तरफ से। लेकिन इस बार इनकी जानकारी पे मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी कई बार झूठ बोला है छात्रों के साथ में और अंत में वही हुआ है कि अगली तारीख बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी डबल एस सी पीईटी परीक्षा को लेकर। यूपी डबल एस सी पीईटी परीक्षा को लेकर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। एक बात तो पूरी की पूरी तारीख ही बदल दी गई। पहले 20 तारीख को परीक्षा होने वाली थी, छात्रों ने सोचा कि चलो त्यौहार घर पे जाके मनाएंगे, लेकिन परीक्षा की तारीख 24 कर दी गई। अब ऐसे में यहाँ पे एक और बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यूपी के अंदर परीक्षाएं कम होती हैं, बदलाव ज़्यादा किए जाते हैं, ऐसा ही पीईटी के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से 30,000 पदों के लिए जो आपकी पीईटी परीक्षा करवाई जाएगी वो आपको 24 अगस्त को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ऐसे में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उनको बदलने का फैसला लिया गया है।
आयोग ने जिला अधिकारियों को ऐसे परीक्षा केंद्रों को सोमवार तक बदलने की सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। इसमें 17 अगस्त तक प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की तैयारी है, मतलब कि 17 तारीख से आप लोग अपने एडमिट कार्ड यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अभी तक परीक्षा केंद्रों का निर्धारण नहीं हो पाया है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा बताया जा रहा है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र बना दिए गए थे, अब बाढ़ के चलते तो परीक्षा हो नहीं सकती, इसी वजह से उन सभी को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। अब जो भी संबंधित अभ्यर्थी होंगे वो 17 तारीख के बाद ही देख पाएंगे कि आपकी परीक्षा कहाँ पर होने वाली है, कौन से परीक्षा केंद्र पर होगी, जिससे कि आप लोग बड़ी आसानी से जा पाएंगे। तो 17 तारीख के बाद आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो भी जारी हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा बहुत सारे दावे भी किए जा रहे हैं कि CCTV कैमरे लगाएंगे, लाइव रिकॉर्डिंग की जाएगी और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन ये तो हम परीक्षा के बाद ही देखेंगे। वीडियो को कर दें लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।